प्रदेश में जुलाई में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, उसे लेकर राज्य में राजनीतिक उत्साह धीरे धीरे फैलने लगा है। राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों ने राजनीतिक पोशाक कुर्ता पजामा के लिए अपने आदेश देने के इंदौर के प्रसिद्ध दर्जी पर कतार लगाना शुरू कर दिया है। इंदौर के पुराने और प्रसिद्ध दर्जी के अनुसार खादी और लिनन कुर्ता पजामा राजनीतिक नेताओं के बीच पसंदीदा विकल्प है। कपड़ों के रंग के बारे में बात करते हुए दर्जी ने कहा कि पार्टियां एक विशेष रंग चुनते समय अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को दर्शाती है। कांग्रेस के नेता क्लासिक सफेद पसंद करते हैं, जबकि भाजपा के नेता रंगीन कुर्ता पजामा पसंद करते हैं। 140 साल पुरानी सिलाई की दुकान चलाने वाले नयन मकवाना ने कहा कि चूंकि नगरपालिका चुनाव नजदीक है तो कई उम्मीदवारों ने कुर्ते और पजामा के 10 से 15 जोड़े ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। दुकान के मालिक नयन मकवाला ने कहा कि हमारे बड़े ग्राहकों में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय है और कई स्थानीय नेता हमारे यहाँ कपड़े सिलवाते हैं। ज्यादातर नेता खादी को ही पसंद करते हैं। कपड़ा व्यापारी संतोष खत्री ने बताया कि कपड़ा बाजार में भी नेताओं के लिए खादी की कई किस्मों का पर्याप्त भंडार है। रंगीन खादी के कपड़े की बहुत मांग है। चुनाव के मद्देनजर सफेद लिनन की भी मांग है।